चलिए आज पढ़ेंगे हम लालची कबूतर की कहानी। एक बार किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर प्रतिदिन बहुत से पक्षी आकर विश्राम करते थे। एक दिन एक बहेलिए ने पक्षी पकड़ने की इच्छा से वहाँ चावल के दाने फैला दिए और उसके ऊपर जाल बिछाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक कबूतरों का झुंड वहाँ आया। उनकी नज़र चावलों पर पड़ी। दाने देखकर उनको भूख जाग उठी। वे दाने चुगने के लिए जाने लगे। तभी उनकी मुखिया ने उन्हें समझाया कि दानों के पीछे कुछ गड़बड़ है, पर कबूतरों ने उनकी बात नहीं मानी और दाना चुगने के लिए चले गए। सारे कबूतर जाल में फंस गए। उन्हें अपनी मुखिया की बात ना मानने पर तथा लालच करने की सजा मिल गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। उन्होंने दाने देखकर लालच किया और वे जाल में फंस गए। इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसमें आपने देखा कि कबूतरों ने कुछ दाने खाने का लालच किया और जैसे ही वे दाने खाने के लिए नीचे आए तो वे सब जाल में फंस गए थे। अतः लालच बुरी बला है।